अभी जहाँ हम खड़े हैं ये कबीर साहब का स्मृति कक्ष है, इसको कबीर साहब की कर्मभूमि भी कहते हैं और कबीर साहब ने इस कर्मभूमि से पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपनी बातों को यहीं से शुरुआत की थी और यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ये कबीर साहब का स्मृति कक्ष में वृद्धावस्था का तस्वीर है और इस कक्ष में, यह स्मृति कक्ष कहा जाता है अभी, और इसमें कबीर साहब के पहने हुए प्राचीन काल में खड़ाव रखा बहुत जर्जर है और इस खड़ाव को लोग पहले पूजा करते थे। जब 1934 में गांधी जी आए, जब दर्शन कर रहे थे तो इसका जर्जर हो रहा था, क्षरण हो रहा था, तो गांधी जी ने बड़ा निवेदन पूर्वक कहा कि इसको तुम शीशे में पैक कर दीजिए, इसका छूना, उसका स्पर्श करना, इसका पूजा पाठ बंद करिए, ये दर्शन के लिए चीज़ है, कबीर साहब का ऐतिहासिक चीज़ है और तब से ये, इसकी चाबी मेरे पास भी नहीं है और इसलिए यह स्मृति खाली बाहर से आप देख सकते हैं, इसको जान सकते हैं। दूसरा चीज़ इनका, दूसरी चीज़ जो है ये कबीर साहब का मटका है। कबीर साहब बार बार कह सकते काट की हाड़ी चढ़े न दूजी बाड़ी, काट की हाड़ी जो कबीर साहब जल पीने का प्रयोग करते थे, पानी पीने का प्रयोग करते थे, इसमें इस पूरे कक्ष में कबीर साहब के ताने बाने का बहुत सारे सामान है, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये पहले समय में कबीर साहब की जो पांडुलिपि थी हस्तलिखित, इसी में रखा जाता था। अब पांडुलिपि पुस्तकालय में चला गया, बहुत करीने से रखा गया, इंतजाम से रखा गया है और बहुत सारे करीब पुस्तकालय जो है उसमें कम से कम 700 पांडुलिपियाँ हैं जो देश भर से मठों से हमने संग्रह करके यहाँ संग्रहित किया है। दुर्घटना हुई, बीजक कुछ पांडुलिपियाँ चोरी हुई, लोग उठा ले गए हैं, लेकिन हम लोग तलाश रहे हैं कि बीजक की पांडुलिपियों को फिर से अपने पुस्तकालय के संग्रहालय में संग्रहित कर सकें। और आप देख रहे हैं एक त्रिशूल है, यहाँ त्रिशूल का कहानी, कहावत कहानी ये है कि जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 14वीं शताब्दी में, तो जो नाथ संप्रदाय थे बड़ा आतंकित हुआ कि भक्ति आंदोलन जो है नाथ संप्रदाय को, सहजान या प्रजान को समाप्त कर देगा। तो स्वामी रामानंद उसके अगुवा थे, नेता थे, तमाम गरीब दलितों, पिछड़ों और छूतों को कभी रामानंद के शिष्य बना रहे थे। तो तमाम जो इस तरह के भक्ति आंदोलन के सत मत के विरोध में जो लोग थे, लगा कि ये सब आंदोलन खड़ा होगा तो हमारी परंपरा विनष्ट हो जाएगी। तो स्वामी रामानंद किया, कुछ नाथ लोग आए, कहा कि हम आप भक्ति आंदोलन के तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, हमसे आप शस्त्रार्थ करिए। कहा हम क्या शस्त्रार्थ करेंगे, हमारा शिष्य है, जुला है, बुनकर है, कड़ा बोलता है और बड़े सिद्ध हैं, तुमको यदि शस्त्रार्थ करना हो तुम कबीर के पास जाओ, वो हार जाएंगे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। इसी मठ पर आइए, त्रिशूल पर बैठ करके, गोरखपंथी गोरखनाथ नहीं थे, गोरखनाथ तो 400 साल पहले हुए हैं, कोई भी गोरखपंथी उस समय कबीर के 14वीं शताब्दी में रहे होंगे, वो त्रिशूल पर आके बैठ करके कबीर को ललकारा कि कबीर आपके गुरु ने आपके पास शस्त्रार्थ करने के लिए भेजा है, हमसे आप शस्त्रार्थ करिए। तो कबीर कहा कि नहीं, और शस्त्रार्थ करना है तो समानांतर बैठ करना है, जैसे मैं त्रिशूल को बैठा हूँ आसन मार के, आपको हमारे बराबर बैठ के ही शस्त्रार्थ करना पड़ेगा। कहा ठीक है। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, ये लगा हुआ जो धागा था उसके पास, वो धागा को ऊपर फेंका, करीब 30 फीट धागा ऊपर गया और कबीर अपनी योग माया से धागा पर बैठ के आसन मार के बैठ गए। कहा गोरख जो भी रहा होगा आप हमारे समानांतर बैठिए तो हम शस्त्रार्थ करेंगे। गोरख नामधारी जो भी योगी थे वो गिर गए, त्रिशूल लट गया और त्रिशूल छोड़ के भाग गए, वो त्रिशूल इस स्मृति कक्ष में रखा गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं और भी हैं, और ये स्मृति कक्ष है, ये कबीर साहब का शुरू में जब करघा, यही है ना नीचे वाला ये करघा है ना? हाँ, मतलब करघा है, उधर भी करघा का पाठ पूजा है, वो सूत भी है, वो बुना हुआ सोने का सब
हम लोगों ने बचा के संग्रहित करके सुरक्षित करके रखा है और दर्शनार्थी के लिए अब खुलता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक माला थी तो थाईलैंड के कुछ विख्यात चोरों ने कबीर साहब के रामानंद के दिया हुआ माला बहुत चर्चित हुआ है अखबारों और टीवी में और तमाम दुनिया में, वो उठा ले गए धोखे से और वो अभी भी थाईलैंड में है। हमने इस माला के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप दुनिया में घूमते हैं, आप शासक हैं और आप चाहें तो इस समय कबीर साहब का ऐतिहासिक स्वामी रामानंद का दिया हुआ 1008 की मणिका को वापस लाएंगे तो आपको बड़ा जश्न मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन मोदी जी ने इसकी सुनवाई नहीं की। तब चलिए, इसी तब से ये कमरा बंद रहता है और यदि कोई विशिष्ट आदमी आते हैं, वीआईपी आते हैं तो हम रहते हैं खड़े, तब इसका ताला खुलता है और जो लोग दूर से दर्शन करना चाहते हैं, कबीर साहब के स्मृतियों को चुमना चाहते हैं, चुमते हैं, इतना अनुमति है। ये स्मृति कक्ष है, बहुत सारे इतिहास परंपरा है, अब फिर से किसी दूसरे अगली बार में इस बात को बताएंगे।